Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute and today I am going to discuss the Compton effect. इसके पहले हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था और उसके बाद आइंस्टीन के द्वारा उसका एक्सप्लेनेशन हुआ था. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्टन इफेक्ट. ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें क्या होता है कि हम एक्सरे फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर. तो हमें क्या मिलता है कि जो कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के बाद न सिर्फ प्राइमरी वेवलेंथ मिलती है बल्कि उसके साथ साथ एक मॉडिफाइड वेवलेंथ भी मिलती है. तो जो मॉडिफाइड वेवलेंथ होती है और प्राइमरी वेवलेंथ के बीच में एक डिफरेंस होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट. तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उसी को फाइंड आउट करते हैं कि कितना शिफ्टिंग मिलेगी हमें और वो बाद में हम देखेंगे कि वो केवल एंगल पे डिपेंड करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज के टॉपिक है कॉम्प्टन इफेक्ट. कॉम्प्टन इफेक्ट. तो इसमें क्या होता है, हम सपोज़ करते हैं कि सपोज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और फोटॉन आके इंसिडेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर. तो इसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू है और इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर जाता है किसी एंगल पे, सपोज़ करिए वेलोसिटी वी से, और फोटॉन खुद स्केटर्ड हो जाता है और इसकी जो नई एनर्जी होती है वो एच न्यू डैश, या सिंपली ये कहें कि जो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इसका वेवलेंथ होगा लैम्डा. तो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा डैश और यहाँ ये कुछ इस तरह से आ रहा है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा और यहाँ पे न्यू डैश इक्वल टू सी बाई लैम्डा डैश. ठीक है, तो ये जो है वो एनर्जी है इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की, और जो एच न्यू डैश है ये है एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन. ठीक है, और अगर ये वी की स्पीड से इधर की तरफ जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी से जाएगा. तो इसकी एनर्जी एक तरह से हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. अगर हम मास माने, इलेक्ट्रॉन का मास अगर स्मॉल एम हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. इसको हम अगर एक्सिस के रूप में बनाएं और सपोज करें कि ये एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ ये वाई डैश और इधर वाई की पॉजिटिव एक्सिस. ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये फाई एंगल से स्कैटर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर गया, और जो फोटॉन था वो थीटा एंगल से स्कैटर कर गया. ठीक है, तो ये है एच न्यू डैश स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी. हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्कैटर्ड फोटॉन था उसी को हम नाम दे देते हैं स्कैटर्ड फोटॉन. तो ये थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ जो इंसिडेंट डायरेक्शन है फोटॉन का वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर वो डेविएट होके स्कैटर्ड हो गया और इसका आफ्टर स्कैटरिंग उसकी एनर्जी है न्यू डैश. तो हम ये जानते हैं कि कोलिजन में एनर्जी हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती है इन इलास्टिक कोलिजन में. इलास्टिक कोलिजन में तो कंजर्व होगा लेकिन इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होगा. तो जो यहाँ पे एच न्यू डैश है वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा एच न्यू से. जो स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी है उसकी एनर्जी उससे कम हो जाती है क्योंकि बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर करने में वेस्ट होती है. तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो एक तरह से हमें मिलेगा न्यू डैश इज़ लेस देन न्यू, और न्यू डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा सी बाई लैम्डा. यहाँ सी बाई लैम्डा डैश है तो ये हो जाएगा सिंपली वन अपॉन लैम्डा डैश लैम्डा, या इसको हम अगर सीधे लिखें तो ये मिलेगा हमें लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा. तो यही जो मॉडिफाइड हो रहा है
हमारी जो इंसिडेंट फोटोन था, इंसिडेंट फोटोन था उसका वेवलेंथ लेमडा था, लेकिन बाद में हमें लेमडा डैश मिला। तो ये जो मॉडिफाइड वर्जन है इसी का हम डिफरेंस यहाँ निकालते हैं, लेमडा डैश माइनस लेमडा, और इसको बोलते हैं डेल्टा लेमडा, और यही होता है एक तरह से शिफ्टिंग या चेंज इन वेवलेंथ, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ। ये कितना आएगा ये हम बाद में देखेंगे, चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कोलिजन की प्रक्रिया हो रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इनिशियली मानते हैं कि वो रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, और जब फोटोन इंसिडेंट करता है उसके ऊपर तो वो वी वेलोसिटी से रिकॉयल कर जाता है फाई एंगल से, और फोटोन खुद स्कैटर्ड कर जाता है थीटा एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो तरीके का जो फंडामेंटल कंजर्वेशन है वो लग जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी। तो टोटल इनर्जी हम जानते हैं कि वो ऑलवेज कंजर्व होता है, तो हम टोटल इनर्जी लगा सकते हैं, और दूसरा हम मोमेंटम को यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मोमेंटम हर विधा में एक तरह से कंजर्व होता है, चाहे वो किसी भी इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे कहीं भी हो, हमेशा जो है मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यूज़ करेंगे हम उसी को। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि इसके अलोंग अगर ये वी वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। अगर ये एच न्यू डैश है ये, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम होता है पी इक्वल ई बाई सी होता है। तो ये सिंपली स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी, ठीक है। तो इसका इस एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, इन चीज़ों को हम थोड़ा हटा देते हैं। तो हम अगर एच न्यू डैश बाई सी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, और इसी का इस पर कंपोनेंट क्या आएगा, तो वो आएगा एच सी एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, ठीक है। उसी तरीके से इसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी। तो इसका जब हम उसके ऊपर कंपोनेंट लिखेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो क्या हो जाएगा, एम वी कॉस फाई, ये फाई है तो एम वी कॉस फाई, और इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, एम वी साइन फाई, क्लियर। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग एम वी कॉस फाई, और एक ये थीटा लग रहा है मोमेंटम, उसी तरीके से इस एक्सिस के अलॉन्ग एम वी साइन फाई, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या है, एच न्यू डैश सी एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, इसकी वजह से। तो इसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उसी तरीके से इसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कंजर्वेशन लगाएंगे, सो अप्लाइंग लॉज ऑफ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस के हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दोनों अलोंग द एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं, बिफोर भी और आफ्टर भी। तो पहले क्या है, पहले हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना है, एच न्यू बाई सी, ठीक है। यह है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम,
और उधर क्या है एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। क्लियर, इसको हम इक्वेशन वन मान सकते हैं। उसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस करेंगे तो क्या होगा, तो एंड अलोंग वाई एक्सिस वी कैन राइट एज, तो हम क्या लिख सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो हम देख रहे हैं कि बिफोर कोलिजन जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है इसका वाई के एक्सिस के अलोंग कोई भी मोशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा ज़ीरो इक्वल। अब इधर देखिए वाई एक्सिस के अलोंग एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा इक्वल एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा, और ये चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस एम वी साइन फाई। क्लियर, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन टू। तो यहाँ तक समझ लीजिए, पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस लगाएंगे तो हमारा एच न्यू बाई सी इसका क्या हो जाएगा एच न्यू बाई सी मोमेंटम, और इधर की तरफ एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा और प्लस एम वी कॉस फाई, ये प्लस एम वी कॉस फाई, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग। उसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो कोलिजन से पहले इसका वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं था, तो उसके अलोंग मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, और इधर एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई माइनस ये वाला एम वी साइन फाई, ये हो गया इक्वेशन टू। ठीक है, उसी तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी यूज करेंगे, तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यूजिंग यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है एच न्यू, और प्लस ये हमारा रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में था, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एच न्यू और प्लस एम नॉट सी स्क्वायर ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में है तो इसकी एनर्जी होगी एम नॉट सी स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन होगा एक तो एनर्जी थी हमारी ये एच न्यू डैश, ये हो जाएगा एच न्यू डैश और प्लस प्लस क्या होगा प्लस ये वाला ये होगा एक तरह से काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं क्या ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या सिंपली फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस ई के को हम लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ ज़ीरो मानते हैं हम, जो बिफोर कोलिजन था इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में था तो इसकी एनर्जी को हम बिल्कुल ज़ीरो लेके चलते हैं, ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे ज़ीरो ही रहेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिंपली एच न्यू ऐसा, ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस यहाँ पे एम नॉट को हम लिख सकते हैं एम को एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर
ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से हम एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक तरह से वन अपॉन ये हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, या इसको रहने देते हैं अंदर ही, सो एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये हो गया एच न्यू, सो दिस इज एच न्यू इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो यही तीनों बेसिक इक्वेशंस हैं जिसको हम लेके पूरा सॉल्व करते हैं, तो हमें एक्सप्रेशन आता है कॉम्प्टन शिफ्ट का, या कॉम्प्टन या चेंज इन वेवलेंथ हम बोलेंगे, चेंज इन वेवलेंथ जो आता है एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। तो इसके बाद अब फिजिक्स नहीं है, इसके बाद पूरी तरह से ये मैथमेटिक्स बचा हुआ है। हमें इसी तीन इक्वेशन में समझना था कि हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू दो इक्वेशन मिलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमें दो इक्वेशन मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी से हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो ये है एच न्यू इक्वल एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन, ये तीसरा। ये तीनों इक्वेशन ही समझना जरूरी था यहाँ फिजिक्स के हिसाब से, बाकी इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है। हम कुछ टर्म को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, अरेंज करेंगे और इधर उधर सारा पुट करेंगे और उसके बाद ये फाइनल रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइंड कर देते हैं कि सारी चीज़ें हुई कैसे, तो इस चीज़ को हम फिर से दिखा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा आर्टिकल बड़ा हो रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ये तीनों इक्वेशन को हम उठाएंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ तक ला के दिखाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ फिर से समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं। तो जो इंसिडेंट गामा रे फोटोन है उसकी एनर्जी होगी एच न्यू, ठीक है, तो एच न्यू जो है वो क्या है, इंसिडेंट गामा रे फोटोन की एनर्जी है। तो जब ये स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कि इनिशियली रेस्ट में है, तो एक तरह से मान सकते हैं वो रेस्ट में तो होगा नहीं, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो रेस्ट में नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ एक्सपेरिमेंटली मान के चलते हैं कि वो रेस्ट में है। तो होता ये है कि जो इंसिडेंट गामा रे फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जाता है। यहाँ देखिए कंपैरिजन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो यहाँ फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि स्कैटर होता है। स्केटर होता है तो विथ डिक्रीज एनर्जी एच न्यू डैश से, जब वो स्केटर होता है तो कुछ एनर्जी उसकी घट जाती है, यानी हमारा जो एच न्यू डैश है वो कम हो जाता है एच न्यू से, ठीक है। जो वो कम इसलिए होता है कि यहाँ एक कोलिजन हो रहा है और कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर रहा है कुछ एनर्जी लेके, इस तरह से हाफ एम बी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी को लेकर रिक्वायर हो रहा है, तो इसकी कुछ एनर्जी यहाँ वेस्ट हो जाती है, इसलिए जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू डैश लेस देन होती है एच न्यू से। तो यहीं से हमें पता चलता है कि न्यू डैश लेस देन है न्यू से, फिर लेमडा डैश ग्रेटर देन हो जाता है लेमडा से। तो यही मॉडिफाइड रेडिएशन का राज है एक तरह से, और इसको हम फाइंड करने के लिए इस तरह से जाते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से स्केटर हुआ, तो थीटा एंगल से स्केटर होगा तो इसका मोमेंटम का एक कंपोनेंट हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हमें कंजर्वेशन लॉ के लिए मोमेंटम का कंपोनेंट चाहिए। तो एच न्यू डैश अगर एनर्जी है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम होता है सिंपली ई बाई सी, सो ये हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एच न्यू डैश सी कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट एच न्यू डैश सी साइन थीटा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एम वी कॉस फाई, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन फाई। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कहीं भी कोलिजन होता है तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी।
तो हम वो दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें पता है। जब लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, एच न्यू बाई सी इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई, ये हो गया क्वेश्चन वन। उसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए भी हम लिख सकते हैं। तो वाई एक्सिस में चूंकि इधर कोई मोशन नहीं था इसलिए लेफ्ट साइड में यहाँ जीरो रहा, और एच न्यू डैश सी साइन थीटा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से माइनस एम वी साइन फाई, ठीक है। ये थीटा है और ये फाई है, तो ये दो ही क्वेश्चन हमें मिला। फिर हम तीसरा क्वेश्चन लाए हैं यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो ये है टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और ये है टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यहाँ ई के की वैल्यू है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की जो इस फॉर्म में आएगी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। और वहाँ से फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम पा सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इसके बाद हम कुछ बताते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम करेंगे आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें एक साइड लाना है, थोड़ा रीअरेंज करना है। जैसे हम यहाँ से इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ऐसा। उसी तरीके से यहाँ से अगर हम इसको इस साइड लेके आएँ क्वेश्चन 2 को तो ये इस तरह का हो जाएगा इक्वल टू। अब दिख रहा है कि अगर हम 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो एम वी कॉस फाई इसका और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये एम वी एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और इसका जो सम होगा वो 1 हो जाएगा। और इधर की तरफ भी हम उसी तरह स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से ऐसे, और इधर भी स्क्वायर होगा। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे तो जो चीज़ें हमें लास्ट में मिलेंगे फिर हम इसी में उसको यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, दोनों साइड सी से डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक फैक्टर इधर लेके आएंगे तो ये वाला और एक और, उसके बाद उसको दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं और यहाँ से जो टर्म मिला रहेगा उसको उसमें से माइनस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं। इसमें इतना आज के लिए काफ़ी है, तो आई होप कि ये समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।